एनी फाकिर को कहती है कि देख लो तुमने इस बात को एक्सेप्ट तो कर लिया है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। जिस पर फाकिर कहता है कि इतना इस बात पर उछलने कूदने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मौके की मुनासिबत थी, मुझे ये बात कहनी पड़ी। हाँ ये बात हकीकत तो है लेकिन तुम जानती हो कि मैं इस हकीकत को तस्लीम नहीं करता हूँ। जिसको सुनकर एनी को मज़ीद गुस्सा आता है और एनी कहती है कि मैं कौन सा इस हकीकत को तस्लीम करना चाहती हूँ, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, इसलिए बेहतर यही है तुम अपना रास्ता नाप और मैं अपना रास्ता नापती हूँ। आगे से आप देखेंगे कि साइका जो है वो उनको कहेगी कि आप लोगों को इकट्ठे रहने की ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, जिस पर आप देखेंगे फाकिर जो है साइका के साथ भी लुच पड़ेगा और कहेगा कि आखिर आपने क्या रट लगा रखी है, आप क्यों एक बात बार बार कर रही हैं, मुझे पता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी को कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा वक्त दें, मुझे थोड़ा वक्त दें, लेकिन आप लोग नहीं सुन रहे हैं और आप लोग अपनी ही मर्ज़ी करते जा रहे हैं। पता नहीं आप लोगों को कब समझ आएगी, पता नहीं मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि इन लोगों को साथ उन्होंने क्यों भेज दिया। वो आगे से कहता है अपनी माँ को कॉल पर, अगर आप आ जाती मेरे साथ तो क्या फ़र्क पड़ जाता, आपको मेरे साथ आना चाहिए था, इस तरह मुझे यूं छोड़कर किसी और के साथ नहीं भेजना चाहिए था।